आज हमारा इंजीनियरिंग मैकेनिक्स में जो फ्रिक्शन चैप्टर चल रहा है उसका फोर्थ लेक्चर है। इससे पहले लेक्चर में हमने आपको जो कराया था वो कराया था कि आपका जो बॉडी है वो किसी हॉरिजॉन्टल सरफेस पर रखी हुई है और उस पर एक पी फोर्स लगा है जो कि हॉरिजॉन्टल एक्सिस पर लगा है। ठीक है, पहले हमने क्या बताया था कि जो आपका पी फोर्स लगा है वो हॉरिजॉन्टल एक्सिस पर लगा है, लेकिन इस केस में क्या है, ये दूसरा केस है आपका, इस केस में आपका जो फोर्स पी लगा है वो एक इंक्लाइंड एंगल पर लगा हुआ है। ठीक है, तो देखिए, इफ अप्लाइड फोर्स इज इंक्लाइंड एट एन एंगल अल्फा टू द हॉरिजॉन्टल, अगर आपका फोर्स हॉरिजॉन्टल से किसी अल्फा एंगल पर लगा है उस केस में क्या होगा। ठीक है, देखिए, इस केस के अंदर भी आपके दो केस बनेंगे, एक तो बनेगा व्हेन अप्लाइड फोर्स इज पुल, अगर आपका जो फोर्स पी लगा हुआ है ये पुल फोर्स है, पुल का मतलब ये इसके पॉइंट से बाहर की ओर लगा हुआ है, और दूसरा बनेगा व्हेन अप्लाइड फोर्स इज पुश, यानी ये जो फोर्स की डायरेक्शन है ये पॉइंट पर या बॉडी के अंदर की ओर हो जाएगी। ठीक है, तो पहले हम बात करेंगे व्हेन अप्लाइड फोर्स इज पुल, अगर आपका अप्लाइड फोर्स क्या है, पुल कंडीशन का है, तो देखिए ये डायग्राम बनेगा आपका, ये आपकी बॉडी आ गई, इस बॉडी में नीचे क्या काम करेगा, डब्लू, मान लिया इसका वेट है, मैंने मान लिया वेट ऑफ डब्लू कितना है, डब्लू। ठीक है, वेट ऑफ बॉडी डब्लू आ गया आपका, रिएक्शन मैंने इसमें मान लिया कितनी लग रही है, आर लग रही है। ठीक है, जो कि सरफेस के परपेंडिकुलर लगेगी, ये आर रिएक्शन आ गई आपकी, नॉर्मल रिएक्शन मैंने आर मान ली, अप्लाइड फोर्स जो है मैंने पी मान लिया जो अल्फा एंगल पर लगा है। ठीक है, हॉरिजॉन्टल एक्सिस से वो कितना एंगल बना रहा है, अल्फा डिग्री, और कोफिशियंट ऑफ फ्रिक्शन की वैल्यू मान ली मैंने म्यू। क्लियर, अब देखिए अब इसके अंदर क्या होगा, अगर इस डायरेक्शन में आपका फोर्स लगा है तो मोशन की डायरेक्शन कौन सी होगी, ये होगी मोशन की डायरेक्शन, अगर मोशन की डायरेक्शन ये है तो फ्रिक्शन फोर्स किस डायरेक्शन में लगेगा, इस डायरेक्शन में लगेगा, एफ इज इक्वल टू म्यू आर, तो फ्रिक्शन फोर्स आपका इस डायरेक्शन में हो गया। अब ये वाला फोर्स आपका वर्टिकल है, ये भी वर्टिकल है, ये आपका हॉरिजॉन्टल है, ये फोर्स रहा आपका इंक्लाइंड, तो इस पी के दो कंपोनेंट हो जाएंगे, एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट और एक वर्टिकल कंपोनेंट, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट की डायरेक्शन ये रहेगी और वर्टिकल कंपोनेंट की डायरेक्शन ये रहेगी, तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट आएगा पी कोस अल्फा और वर्टिकल कंपोनेंट आएगा पी साइन अल्फा, तो आपने दोनों कंपोनेंट निकाल लिए। अब कंपोनेंट निकालने के बाद मैं क्या लगाऊंगा, इक्विलिब्रियम की कंडीशन लगाऊंगा, समीशन एफ एक्स इज इक्वल टू जीरो, ये समीशन एक्स भी लिख सकते हैं इसे, तो समीशन एफ एक्स इज इक्वल टू जीरो रखेंगे, तो हॉरिजॉन्टल एक्सिस पर आपके कौन कौन से फोर्स काम कर रहे हैं, एक तो काम कर रहा है पी कोस अल्फा प्लस की डायरेक्शन में, और एक कर रहा है एफ माइनस की डायरेक्शन में, तो आ जाएगा पी कोस अल्फा माइनस एफ इज इक्वल टू जीरो, आपको पता है एफ किसके इक्वल है, म्यू आर के, तो मैंने एफ की जगह क्या पुट कर दिया, म्यू आर, तो ये आ गया आपका पी कोस अल्फा माइनस म्यू आर इज इक्वल टू जीरो, क्योंकि एफ की वैल्यू क्या है, म्यू आर है, तो यहां से पी कोस अल्फा की वैल्यू आपकी म्यू आर आ गई, इसे मैंने क्वेश्चन नंबर वन कह दिया। अब बात करेंगे, देखिए समीशन एफ वाई इज इक्वल टू जीरो की, समीशन एफ वाई इज इक्वल टू जीरो में क्या होगा, देखो एक तो ये आपका आर फोर्स और एक पी साइन अल्फा, दोनों अपवर्ड काम कर रहे हैं तो दोनों प्लस के होंगे, और ये डब्लू आपका माइनस का होगा, यानी प्लस के आर प्लस के पी साइन अल्फा माइनस के डब्लू, तो यहां से क्वेश्चन बनेगी, देखिए आपकी ये प्लस का आर प्लस के पी साइन अल्फा माइनस के डब्लू इज इक्वल टू जीरो, यहां से आर की वैल्यू फाइंड आउट की हमने, आर की वैल्यू क्या आ जाएगी, डब्लू आपका इधर आगे किसका हो जाएगा पॉजिटिव, और पी साइन अल्फा किसका हो जाएगा निगेटिव, तो आर इज इक्वल टू आ गया आपका डब्लू माइनस पी साइन अल्फा, इक्वेशन नंबर टू आ गई। अब इक्वेशन नंबर टू से आर की वैल्यू को मैं कहां पुट कर दूंगा, इक्वेशन नंबर वन में। क्लियर है, तो जैसे ही इक्वेशन नंबर टू से आर की वैल्यू को इक्वेशन नंबर वन में पुट करेंगे तो आपकी वैल्यू क्या आएगी, देखिए यह आ जाएगा पी कोस अल्फा इज इक्वल टू म्यू, और आर की जगह क्या आ गया आपका डब्ल्यू माइनस पी साइन अल्फा। क्लियर है, अब म्यू के अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे इसके अंदर, तो यह हो जाएगा पी कोस अल्फा इज इक्वल टू म्यू डब्ल्यू माइनस के म्यू पी साइन अल्फा। ठीक, अब हमें पी की वैल्यू निकालनी है, तो ये जो पी की टर्म है इसे मैं इधर ले आऊंगा, जब मैं इसे इक्वल टू से इधर ले आऊंगा तो इधर माइनस की है, इधर आगे किसकी हो जाएगी, प्लस की, तो ये हो जाएगा आपका पी कोस अल्फा प्लस म्यू पी साइन अल्फा इज इक्वल टू म्यू डब्ल्यू। क्लियर, अब इधर से क्या कॉमन आ रहा है, देखिए इसमें भी पी है इसमें भी पी है, तो दोनों में से पी कॉमन लिया मैंने, तो यहां बचेगा कोस अल्फा, यहां बचेगा म्यू साइन अल्फा, इधर म्यू डब्ल्यू आपका एज इट इज रहेगा। ठीक, अब पी की वैल्यू निकालने के लिए जो ये पी की मल्टीप्लाई में है उसे मैंने इक्वल टू में इधर डिवाइड में पहुंचा दिया, तो पी की वैल्यू आ गई आपकी
म्यू डब्ल्यू ओवर कोस अल्फा प्लस म्यू साइन अल्फा। तो इस तरह से हम पी की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। इस फॉर्मूले को याद करने की जरूरत नहीं है, मैं आपको बता दूं, आपको तो सिर्फ प्रोसीजर ध्यान रखना है कि अगर इस तरह से फोर्स लगेगा तो कैसे कैसे हम न्यूमेरिकल को करेंगे। कोई भी न्यूमेरिकल आएगा, सबसे पहले हम सिग्मा एफ एक्स लगाएंगे, फिर सिग्मा एफ वाई लगाएंगे, वहां से आर की वैल्यू निकाल के ऊपर रखेंगे और हमारी पी की वैल्यू इस तरह से फाइंड आउट हो जाएगी। ये जरूरी नहीं कि आप इस फॉर्मूले को याद करें और सारी की सारी वैल्यू उसमें पुट करें, ये ध्यान रखें आप। आपको प्रोसीजर समझना है कि अगर ये केस होगा तो उस केस में हम फ्रिक्शन किस डायरेक्शन में लगेगा, पी के कंपोनेंट कैसे आएंगे और कैसे कैसे रिएक्शन लेनी है, ये ध्यान रखना है बस। अब देखिए, इसका एक केस तो मैंने बता दिया आपको कि व्हेन अप्लाइड फोर्स इज पुल। अब अगर अप्लाइड फोर्स आपका पुश है तो उस कंडीशन में क्या होगा, उसकी बात करते हैं। देखिए, ये देखिएगा, व्हेन अप्लाइड फोर्स इज पुश। देखिए, ये पी फोर्स लग रहा है आपका अंदर की ओर लग रहा है, यानी पुश कर रहा है इसमें, ये जो फोर्स लगा है ये बॉडी को पुश कर रहा है, क्लियर है। तो पुश में जो डायरेक्शन होगी वो बॉडी के अंदर की ओर होगी, और जो कितना एंगल बना रहा है हॉरिजॉन्टल से, अल्फा एंगल। तो वेट ऑफ बॉडी वही है डब्ल्यू, नॉर्मल रिएक्शन आ रही मानी मैंने, फोर्स अप्लाइड पी लिया मैंने और कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन म्यू लिया जो पहले लिया था। तो यहां से आप देखिएगा, जब मैं इस डायरेक्शन में फोर्स लगाऊंगा तो मोशन की डायरेक्शन क्या रहेगी आपकी, मोशन की डायरेक्शन ये रहेगी, क्योंकि जब हम इधर से इसे पुश करेंगे तो बॉडी आपकी इस डायरेक्शन में खिसकेगी। जब इस डायरेक्शन में खिसकेगी तो उसका मतलब क्या है, आपकी मोशन की डायरेक्शन ये रहेगी। जब मोशन की डायरेक्शन ये रहेगी तो आपका फ्रिक्शन फोर्स कहाँ लगेगा, फ्रिक्शन फोर्स आपका यहां लगेगा अपोजिट डायरेक्शन में, एफ इजल टू म्यू आर, क्लियर है। अब देखिए, आपका डब्ल्यू फोर्स वर्टिकली राउंड काम कर रहा है, आर आपका वर्टिकली एक्ट कर रहा है, ये जो आपका पी फोर्स है, पी फोर्स आपका इंक्लाइंड लगा हुआ है, तो इसके दो कंपोनेंट आएंगे, एक कंपोनेंट इसका हॉरिजॉन्टली आएगा और वर्टिकल कंपोनेंट इसका ये आएगा। हॉरिजॉन्टली कंपोनेंट होगा आपका पी कोस अल्फा और वर्टिकली कंपोनेंट जो ये है ये होगा आपका पी साइन अल्फा, क्लियर है। अब हम क्या करेंगे, देखिए, जितने भी इंक्लाइंड फोर्स लगे हुए होंगे बॉडी के ऊपर, सबसे पहले हम उसके कंपोनेंट लेंगे, ये ध्यान रखें आप। कंपोनेंट लेने के बाद आपको सिग्मा एफ एक्स और सिग्मा एफ वाई निकालने में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। अब देखिए, अगर मैं सिग्मा एफ एक्स की बात करूं इसके अंदर, तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कौन कौन से फोर्स लगे हैं, देखिए, एक तो लगा है ये पी कोस अल्फा, इसकी डायरेक्शन ये है राइट साइड में, यानी पॉजिटिव है पी कोस अल्फा, और ये एफ किसका है, एफ आपका निगेटिव आएगा, तो यहां से आ जाएगा आपका सिग्मा एफ एक्स इजगल टू जीरो, यानी पी कोस अल्फा माइनस एफ इजगल टू जीरो, क्लियर है। अब एफ किसके इक्वल होता है, म्यू आर के, तो मैंने क्या किया, एफ की जगह म्यू आर पुट कर दिया, तो पी कोस अल्फा म्यू आर माइनस म्यू आर इजगल टू जीरो, तो यहां से पी कोस अल्फा की वैल्यू आ गई आपकी म्यू आर, इसे मैंने क्वेश्चन नंबर वन कह दिया। अब बात करेंगे सिग्मा एफ वाई की, देखिए सिग्मा एफ वाई की कंडीशन में क्या होगा, ये है आपकी वाई डायरेक्शन, इसमें ये आर आपका पॉजिटिव है क्योंकि अपवर्ड काम कर रहा है, पी साइन अल्फा इसमें निगेटिव आ गया क्योंकि ये डाउनवर्ड काम कर रहा है, और डब्ल्यू भी आपका निगेटिव आ गया, तो सिग्मा एफ वाई की क्वेश्चन बनेगी आपकी प्लस के आर माइनस के पी साइन अल्फा माइनस के डब्ल्यू। तो देखिए, ये बन गया आपकी क्वेश्चन, प्लस के आर माइनस के पी साइन अल्फा माइनस के डब्ल्यू इजल टू जीरो। तो यहां से आर की वैल्यू फाइंड आउट की मैंने, आर की वैल्यू क्या आ गई, आर की वैल्यू आ गई आपकी डब्ल्यू प्लस के पी साइन अल्फा, ये आ गई आपकी इक्वेशन नंबर टू। अब इक्वेशन नंबर टू से आर की वैल्यू को कहां पुट करेंगे, इक्वेशन नंबर वन में, तो वही क्या, देखिए, पुट वैल्यू ऑफ आर इन इक्वेशन वन। तो इक्वेशन वन आपकी यह है, देखिए यहां से क्या आ जाएगा, पी कोस अल्फा इज इक्वल टू म्यू और आर की जगह क्या रख देंगे, डब्ल्यू प्लस पी साइन अल्फा। तो ये पुट किया, पुट करने के बाद म्यू के अंदर मल्टीप्लाई की मैंने, तो ये आ गया आपका पी कोस अल्फा इज इक्वल टू म्यू डब्ल्यू प्लस के म्यू पी साइन अल्फा, क्लियर। तो यहां से जो पी की टर्म है उसे इधर ले आएंगे, तो ये आ जाएगा आपका पी कोस अल्फा माइनस म्यू पी साइन अल्फा इजगल टू म्यू डब्ल्यू। पी कॉमन लेंगे इधर से, जब पी कॉमन लेंगे तो अंदर क्या बचेगा, कोस अल्फा माइनस म्यू साइन अल्फा इजगल टू म्यू डब्ल्यू। तो यहां से पी की वैल्यू आ जाएगी आपकी म्यू डब्ल्यू ओवर कोस अल्फा माइनस म्यू साइन अल्फा। देखिए, जब आपका फोर्स कैसा लग रहा था, जब आपका फोर्स लग रहा था पुल, जब आपका पुल फोर्स लग रहा था उस कंडीशन में ये प्लस था, ठीक है, और जब आपका पुश फोर्स लग रहा था उस कंडीशन में ये माइनस आ गया आपका, क्लियर है। तो ये ध्यान रखेंगे आप कि इसमें प्लस माइनस से यहां कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि हमें इसे याद नहीं रखना, ठीक है, नहीं कभी आप इसे याद करने की यहां प्लस रखना है या माइनस रखना है, आपको तो सिर्फ ये डायग्राम याद रखना है
कि पुश की कंडीशन में ये डायग्राम कैसे बनेगा। बस इतना ध्यान रखना है आपको कि अगर पुल की कंडीशन लगी हुई है तो कैसे बनेगा डायग्राम, और अगर पुश की कंडीशन है तो कैसे डायग्राम बनेगा। इतना ध्यान रखेंगे तो आप कोई सा भी न्यूमेरिकल आसानी से कर लेंगे। अब इसी तरह के हम इसमें न्यूमेरिकल करेंगे जिससे कि आपके दोनों कंसेप्ट ये क्लियर हो जाए। तो पहले न्यूमेरिकल की ओर बढ़ते हैं। देखिए ये है आपका न्यूमेरिकल, ए फोर्स रिक्वायर्ड टू पुल द बॉडी ऑफ वेट 50 न्यूटन ऑन ए रफ हॉरिजॉन्टल प्लेन इज 20 न्यूटन व्हेन इट इज अप्लाइड एट एन एंगल ऑफ 25 डिग्री विद द हॉरिजॉन्टल एज शोन इन फिगर। इसने क्या कहा है कि ए फोर्स रिक्वायर्ड टू पुल द बॉडी, एक बॉडी को पुल करने के लिए, एक बॉडी को पुल करने के लिए जिसमें बॉडी का वेट कितना दिया है 50 न्यूटन, ये W की वैल्यू कितनी है 50 न्यूटन, तो एक बॉडी को पुल करने के लिए किस पर पुल कर रहे हैं हम, रफ हॉरिजॉन्टल प्लेन पर। तो पुल करने के लिए आपको कितने लोड की जरूरत है, 20 न्यूटन फोर्स की जरूरत है, ठीक है। व्हेन इट इज अप्लाइड एट एन एंगल ऑफ 25 डिग्री, और आपका जो ये पी फोर्स लगा है कितने डिग्री पर लगा है, 25 डिग्री पर, ठीक है, विद द हॉरिजॉन्टल एज शोन इन फिगर। डिटरमाइन द कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन एंड मैग्नीट्यूड ऑफ रिएक्शन आर। क्या निकालना है आपको, एक तो म्यू की वैल्यू निकालनी है और एक रिएक्शन आर निकालनी है बिटवीन द बॉडी एंड हॉरिजॉन्टल सरफेस। देखिए इस तरह का डायग्राम दिया हुआ आप इधर देख रहे होंगे, ये एक बॉडी है आपकी, इस बॉडी में डब्ल्यू वेट नीचे काम कर रहा है आपका, और ये 20 किलो न्यूटन फोर्स आपका लगा हुआ है कितने एंगल पर, हॉरिजॉन्टल से 25 डिग्री के एंगल पर। अब अगर आप देखिए इस तरफ फोर्स आपका लगा हुआ है तो आपकी मोशन की डायरेक्शन क्या रहेगी, ये रहेगी, क्लियर है। आर आपका कैसे लगेगा, आर आपका इस तरह से यहां लग जाएगा, ठीक, और फ्रिक्शन फोर्स कहां लगेगा, फ्रिक्शन फोर्स आपको यहां लगेगा एफ इजगल टू म्यू आर, ठीक है। और ये जो आपका इंक्लाइंड फोर्स लगा है 20 किलो न्यूटन, इसके कंपोनेंट ले लेंगे हम इस तरह से, एक हॉरिजॉन्टल और एक वर्टिकल, तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट इसका आ जाएगा 20 कोस 25 और वर्टिकल कंपोनेंट आएगा 20 साइन 25। बात समझ में आ गई भाई, रिएक्शन लगाई मैंने, फ्रिक्शन देखा फ्रिक्शन किस डायरेक्शन में लगेगा, और मैंने मोशन देखा मोशन किस डायरेक्शन, मोशन अगर इस डायरेक्शन में है तो फ्रिक्शन फोर्स हमारा अपोजिट डायरेक्शन में आ गया, पी इसमें इंक्लाइंड लगा हुआ था, दोनों के मैंने कंपोनेंट ले लिया, ठीक है। अब यहां दिया हुआ है म्यू इजगल टू, म्यू की वैल्यू कितनी दी है, म्यू की वैल्यू इसने दी है यहाँ जीरो पॉइंट, म्यू की वैल्यू सॉरी निकालनी है आपको, एक तो म्यू निकालना है और एक आपको आर निकालना है, ये दोनों वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है। अब देखिए सबसे पहले हम इसमें लगाएंगे सिग्मा एफ एक्स इजगल टू जीरो, तो हॉरिजॉन्टल फोर्स कौन कौन से लगे हैं, एक फोर्स लगा है ये आपका 20 कोस 25 का, और एक लगा है एफ, केवल दो फोर्स लगे हैं हॉरिजॉन्टल, तो ये प्लस का आएगा ये माइनस का आएगा, तो ये आ जाएगा आपका 20 कोस 25 माइनस के एफ इजगल टू जीरो, और एफ किसके इक्वल है म्यू आर के, तो 20 कोस 25 माइनस के म्यू आर इजगल टू जीरो, तो यहां से म्यू आर की वैल्यू आपकी आ गई 20 कोस 25, क्लियर है, ये आ गई आपकी क्वेश्चन नंबर वन। या इसे भी कैलकुलेट कर सकते हैं साथ के साथ, म्यू आर की वैल्यू आ जाएगी 20 कोस 25 को कैलकुलेट करने के बाद 18.126, तो इसे मैंने क्वेश्चन नंबर वन कह दिया, ठीक है। अब यहां लगाएंगे सिग्मा एफ वाई इजगल टू जीरो, तो जब सिग्मा एफ वाई इजगल टू जीरो लगेगा तो वर्टिकल डायरेक्शन में देखिए, तो ये आर लग रहा है किसका, प्लस का, एक ये 20 साइन 25 लगा है ये भी प्लस का क्योंकि अपवर्ड डायरेक्शन है दोनों की, और ये 50 किलो न्यूटन जो वेट है ये नीचे लगा है यानी ये माइनस का आएगा, तो सिग्मा एफ वाई आ जाएगा आपका आर प्लस 20 साइन 25 माइनस के 50 इजगल टू जीरो, यानी आर इजगल टू यहां से आ जाएगा आपका ये इक्वल टू से इधर आ जाएंगे दोनों के दोनों 50 माइनस 20 साइन 25, क्लियर है। तो आर की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, आर की वैल्यू यहां से आपकी आ जाएगी 41.55 न्यूटन, किलो न्यूटन में दिया है तो ये किलो न्यूटन आ जाएगा आपका, क्लियर है। सारी की सारी वैल्यू जो है ये भी आप किलो न्यूटन में कर लीजिएगा, यहाँ ये 20 किलो न्यूटन, ठीक है, ये 50 किलो न्यूटन, क्योंकि मैंने नीचे सारी की सारी जो वैल्यू रखी है आपकी किलो न्यूटन में ही रखी है, ठीक है। तो यहां भी मैं आपकी सारी की सारी वैल्यू किस में निकाल दूंगा, किलो न्यूटन में निकाल दूंगा। यूनिट का ध्यान रखेंगे
या तो सारी यूनिट आपकी किलो न्यूटन हो या न्यूटन हो, ऐसा ना हो कि कहीं आपने किलो न्यूटन में रख दिया कहीं आपने न्यूटन में रख दिया, उस केस में आपका पूरा न्यूमेरिकल गलत हो जाएगा। क्लियर है? तो आर की वैल्यू आपने फाइंड आउट कर ली नॉर्मल रिएक्शन। आर के बाद आपको क्या निकालना है, आपको आर के बाद निकालना है म्यू। तो म्यू कैसे निकलेगा, देखिए ऊपर इक्वेशन नंबर वन बनी हुई है, इक्वेशन नंबर वन है आपकी ये वाली, इसमें आर की वैल्यू पुट कर दो तो म्यू की वैल्यू निकल जाएगी। तो क्या करेंगे, पुट वैल्यू ऑफ आर इन इक्वेशन वन। तो जैसे ही आर की वैल्यू इक्वेशन नंबर वन में पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा, देखिए म्यू इंटू 41.55 इक्वल टू 18.126, यानी म्यू की वैल्यू आपकी आ जाएगी 18.126 अपॉन 41.55। इसे कैलकुलेट करेंगे, कैलकुलेट करने के बाद आपकी म्यू की वैल्यू आ जाएगी 0.436। और म्यू की कोई यूनिट नहीं होती, मैंने आपको पहले भी बताया था। तो आपको दो वैल्यू निकालनी थी, एक आपको निकालना था कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, ये निकल गया, एक आपको निकालनी थी नॉर्मल रिएक्शन, ये निकल गई। तो इस तरह से हम किसी भी न्यूमेरिकल को आसानी से सोल्व कर सकते हैं। ये आपका पुल फोर्स का था, ठीक है, जिस कंडीशन में आपका पुल फोर्स लगा हुआ है। देखिए जरूरी नहीं कि ये आपका फोर्स इसी पॉइंट पर लगा हो, अगर यहां भी लगा है तब भी कोई दिक्कत नहीं है, आप इसे बढ़ा के इस पॉइंट पर भी ला सकते हैं तब भी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। नहीं आप ये मत सोचेगा कि पिछले में जो हमने आपको डेरिवेशन कराया है उसमें तो फोर्स यहां लगा था, इसमें यहां लगा है, अगर मैं इसे पीछे बढ़ाऊंगा तो ये इसी पॉइंट पर आ जाएगा, ठीक है। नहीं तो आप यहां भी कर सकते हैं कंपोनेंट, इसके यहां भी कर सकते हैं, इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। बस आपको तो ये ध्यान रखना है जो हॉरिजॉन्टल फोर्स है उसका अल्जेब्रिक सम सिग्मा एफ एक्स में रखेंगे, और जो वर्टिकल फोर्स है उसका अल्जेब्रिक सम सिग्मा एफ वाई में रखेंगे। बस ये ध्यान रखना है, दो इक्वेशन बनानी है, एफ की जगह म्यू आर रखना है, और जो भी वैल्यू पूछे वो वैल्यू निकाल के बता देनी है, बस इससे ज्यादा कुछ नहीं करना आपको। नेक्स्ट न्यूमेरिकल की ओर बढ़ेंगे। देखिए अब ये है, देखिए बहुत अच्छा न्यूमेरिकल है, एग्जाम में भी आ सकता है, ध्यान रखिएगा, आप इसे ध्यान दीजिएगा इस न्यूमेरिकल पर। इसमें क्या दिया है, देखिए ए वुडन ब्लॉक ऑफ वेट 50 किलो न्यूटन रेस्ट ऑन ए हॉरिजॉन्टल प्लेन। एक वुडन ब्लॉक है, एक लकड़ी का ब्लॉक है जिसका वेट कितना है, 50 किलो न्यूटन है, कितना है 50 किलो न्यूटन, रेस्ट ऑन ए हॉरिजॉन्टल प्लेन, जो कि एक हॉरिजॉन्टल प्लेन पर आपका रेस्ट कर रहा है, ठीक है। डिटरमाइन द फोर्स रिक्वायर्ड टू जस्ट पुल इट एंड पुश इट। क्या करना है, फोर्स रिक्वायर्ड यानी फोर्स निकालना है कि उसे जस्ट पुल इट और पुश इट करने के लिए कितने फोर्स की जरूरत पड़ेगी, यानी आपकी लिमिटिंग कंडीशन में लाने के लिए अगर मैं पुल करूंगा तो कितना फोर्स लगेगा और पुश करूंगा तो कितना फोर्स लगेगा। ये डायग्राम दिया हुआ है, इसमें देखिए ये जो पुल फोर्स लगा है ये भी 15 डिग्री पर लगा है, ये जो आपका पुश फोर्स लगा है ये भी आपका 15 डिग्री पर लगा हुआ है, क्लियर है। इसने क्या कहा है, देखिए टेक कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन म्यू इक्वल टू 0.4, म्यू की वैल्यू कितनी दे दी आपकी 0.4 बिटवीन द मेटिंग सरफेस, कमेंट ऑन द रिजल्ट। आपको क्या करना है, जो रिजल्ट आएंगे आपको उस पर कमेंट करना है। कमेंट का मतलब क्या होता है, देखिए आप एक बॉडी को पुल करने के लिए कितना फोर्स लगा रहे हैं और पुश करने के लिए कितना फोर्स लगा रहे हैं, ठीक है। नहीं तो इन दोनों में से जो वैल्यू कम आएगी वो हमारे लिए सही रहेगा, यानी हमें यहां से ही पता चल जाएगा कि किसी भी बॉडी को खींचने के लिए पुल फोर्स लगाना सही है या पुश फोर्स लगाना सही है, क्लियर है। तो देखिए सबसे पहले मैं इसकी बात करूंगा पुल फोर्स का। केस फर्स्ट क्या है, व्हेन अप्लाइड फोर्स इज पुल, ठीक है। जब आपका अप्लाइड फोर्स पुल है तो उस कंडीशन में क्या होगा, देखिए ये आपका डब्ल्यू लगा है 50 किलो न्यूटन का, ये रिएक्शन लगी है, इधर से आपका फ्रिक्शन फोर्स लगा है इक्वल टू म्यू आर, क्योंकि फोर्स की डायरेक्शन ये है तो मोशन भी इस डायरेक्शन में होगा, आपका फ्रिक्शन इस डायरेक्शन में लगेगा। अब ये पी वन जो है इसके कंपोनेंट ले लेंगे, एक कंपोनेंट इसका यह आएगा हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल कंपोनेंट इसका यह आएगा, तो ये हॉरिजॉन्टल आएगा पी वन कोस 15 और यहां पर यह आ जाएगा पी वन साइन 15, क्लियर है। अब इसमें सिग्मा एफ एक्स लगाइए आप, सिग्मा एफ एक्स इजगल टू जीरो, तो जैसे ही सिग्मा एफ एक्स इजगल टू जीरो लगाएंगे इसके अंदर तो क्या आएगा, देखिए हॉरिजॉन्टल फोर्स ये लगा है पी वन कोस 15, इधर लगा है एफ, केवल दो फोर्स लगे हैं, तो ये आ जाएगा पी वन कोस 15 माइनस के एफ इजगल टू जीरो,
और एफ की वैल्यू क्या है, एफ है आपका म्यू आर के इक्वल, तो ये आ जाएगा पी वन कोस 15 माइनस के म्यू आर इजिकल टू 0। क्लियर है? तो यहां से आपकी एक वैल्यू आ गई और म्यू की वैल्यू आपको पता है, देखिए तो ये आ जाएगा पी वन कोस 15 इजिकल टू म्यू आर, ये इक्वल टू से इधर ले आएंगे, और पी वन कोस 15 इजिकल टू आ जाएगा आपको यहां से म्यू की वैल्यू है 0.4, तो 0.4 इंटू आर। क्लियर है? इसे मैंने कह दिया क्वेश्चन नंबर 1। अब इसमें लगाएंगे सिग्मा एफ वाई इजिकल टू 0, बस दोनों इक्विलिब्रियम कंडीशन लगानी है। आप डायग्राम सही से बना लें, दोनों इक्वेशन लगा दें, दोनों इक्वेशन लगाने के बाद आपका आंसर ऑटोमेटिक खुद आ जाएगा, ज्यादा कुछ नहीं करना फ्रिक्शन में। देखिए सिग्मा एफ वाई में कौन कौन से फोर्स आएंगे, एक तो ये आर आएगा प्लस का, एक ये पी वन साइन 15 आएगा प्लस का, और ये डब्ल्यू किसका आएगा, माइनस का। ठीक है, क्योंकि दोनों की डायरेक्शन अपवर्ड है तो प्लस आएंगे, और ये 50 आपका माइनस का आएगा। तो क्या आएगा देखिए यहां पर, आर प्लस पी वन साइन 15 माइनस 50 इजिकल टू 0। तो यहां से आर की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, आर आपका आ जाएगा 50 माइनस पी वन साइन 15। ये आ गई आपकी क्वेश्चन नंबर 2। अब इक्वेशन नंबर 2 से आर की वैल्यू को कहां पुट कर देंगे, इक्वेशन नंबर 1 में क्या करेंगे, पुट वैल्यू ऑफ आर इन इक्वेशन 1। तो देखिए क्या आ जाएगी आपकी इक्वेशन 1, पी वन कोस 15 इज इक्वल टू 0.4 इंटू, क्या आ जाएगा आपको देखिए यहां से 0.4 इंटू आर की वैल्यू क्या है 50 माइनस के पी वन साइन 15। क्लियर है? यहां से देखिए आ जाएगा आपका पी वन कोस 15 इजिकल टू 0.4 के अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 0.4 इंटू 50 माइनस के 0.4 पी वन साइन 15। क्लियर है? अब ये पी वन की टर्म को मैं इधर ले आऊंगा तो ये कितना हो जाएगा देखिए, पी वन कोस 15 प्लस 0.4 पी वन साइन 15 इज इक्वल टू 0.4 इंटू 50। क्लियर है? तो पी वन कॉमन लूंगा मैं यहां से, पी वन कॉमन लेने के बाद क्या बचेगा देखिए, कोस 15 प्लस 0.4 साइन 15 इज इक्वल टू 0.4 इंटू 50। क्लियर है? तो देखिए अब यहां से क्या आएगी इसकी वैल्यू निकल के, पी वन आपका आ जाएगा यहां से 0.4 इंटू 50 अपॉन, ये आपका अपॉन में आ जाएगा पूरा का पूरा, कोस 15 प्लस 0.4 साइन 15। इसे कैलकुलेट कर लेंगे, कैलकुलेट करने के बाद आपकी जो पी वन की वैल्यू निकल के आएगी वो आएगी आपकी 18.70 किलो न्यूटन। क्लियर है? तो ये आपने बड़ी आसानी से पी वन की वैल्यू कैलकुलेट कर ली कि अगर आपका पुल फोर्स लगा हुआ होगा तब आपको कितना फोर्स लगाना पड़ेगा। तो एक केस पूरा हो गया, अब बात करते हैं देखिए दूसरे केस के। दूसरा केस आपका क्या है देखिए, अगर आपकी ये वाली कंडीशन है यानी पुश फोर्स लगा है, पुश फोर्स की कंडीशन में देखिए इस तरफ फोर्स लगा है तो ये जब इसे पुश करेगा तो पुश करने के बाद आपकी बॉडी किस तरफ मोशन करेगी, इस डायरेक्शन में मोशन करेगी। क्लियर है? तो जब इस डायरेक्शन में मोशन करेगी तो फ्रिक्शन फोर्स आपका इस डायरेक्शन में लगेगा, अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा। ये आपका डब्ल्यू काम कर रहा है 50 किलो न्यूटन, इधर रिएक्शन काम कर रही है आपकी यार आर। ये जो पी टू है, अब पी टू का यहां हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट आ जाएगा, ये आ जाएगा देखिए, ये डायरेक्शन ये रहेगी और वर्टिकल कंपोनेंट की डायरेक्शन ये रहेगी डाउनवर्ड। तो वर्टिकल हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट आएगा आपका पी टू कोस 15 और हॉरिजॉन्टल आएगा पी टू कोस 15 और वर्टिकल आएगा पी टू साइन 15। क्लियर है? अब इसमें देखिए इसमें लगाएंगे सिग्मा एफ एक्स इजिकल टू 0। यहां लेंगे हम केस सेकंड, व्हेन अप्लाइड फोर्स इज पुश, जब आपने पुश फोर्स अप्लाई किया तब क्या होगा। देखिए आप उस कंडीशन में आपकी जो यहां से वैल्यू आएगी निकल के, देखिए सबसे पहले सिग्मा एफ एक्स इजिकल टू 0 लेंगे,
तो जब सिग्मा एफ एक्स इजिकल टू जीरो आएगा तो देखिए सिग्मा एफ एक्स में कौन कौन से फोर्स लगेंगे। एक तो फोर्स लगेगा आपका ये पी टू कोस 15, डायरेक्शन कैसी होगी माइनस की, और इधर ये लगेगा ये एफ इजिकल टू म्यू आर, इसकी डायरेक्शन होगी प्लस की, यानी प्लस की डायरेक्शन होगी एफ की, एफ माइनस पी टू कोस 15 इज इक्वल टू जीरो। ये आ गया आपका सिग्मा एफ एक्स इजिकल टू जीरो, क्लियर है। यहां से आपकी एफ की वैल्यू क्या है म्यू आर, तो म्यू आर माइनस पी टू कोस 15 इज इक्वल टू जीरो। तो यहां से आपका आ जाएगा देखिए पी टू कोस 15 इज इक्वल टू म्यू आर, इसे मैंने क्वेश्चन नंबर 3 कह दिया, क्लियर है। अब हम लगाएंगे सिग्मा एफ वाई इज इक्वल टू जीरो, तो देखिए एफ वाई की डायरेक्शन में क्या आएगा, ये आर आपका पॉजिटिव आएगा, पी टू साइन 15 निगेटिव आएगा, और ये डब्ल्यू निगेटिव आएगा, यानी ये आ जाएगा आपका आर माइनस पी टू साइन 15 और माइनस के 50 इज इक्वल टू जीरो। आर माइनस पी टू साइन 15 माइनस के 50 इज इक्वल टू जीरो, तो यहां से आर की वैल्यू कैलकुलेट कर रहे हैं, आर आ जाएगा आपका 50 प्लस पी टू साइन 15, 50 प्लस पी टू साइन 15। अब इस आर की वैल्यू को कहां पुट कर देंगे, इक्वेशन नंबर 3 में, तो पुट वैल्यू ऑफ आर इन इक्वेशन 3। तो जब इक्वेशन नंबर 3 में पुट करेंगे तो क्या आएगा, देखिए पी टू कोस 15 इज इक्वल टू म्यू इंटू 50 प्लस पी टू साइन 15, क्लियर है। अब म्यू की मल्टीप्लाई करेंगे अंदर तो क्या आ जाएगा, देखिए पी टू कोस 15 इज इक्वल टू 50 म्यू प्लस म्यू पी टू साइन 15। अब ये पी टू वाली जो टर्म है इसे इधर ले आएंगे, तरीका सबका वही है जो हम करते हुए आ रहे हैं, सभी न्यूमेरिकल में सेम है, लेकिन थोड़ा बहुत डिफरेंस आ जाता है। अगर वो थोड़ा बहुत डिफरेंस आपकी समझ में आ गया तो आप आसानी से करते चले जाएंगे। तो आपकी क्वेश्चन ये हो गई, देखिए यहां से पी टू को कॉमन ले लो, तो जब पी टू को कॉमन लेंगे तो अंदर क्या बचेगा, ये आ जाएगा कोस 15 माइनस के म्यू साइन 15 इज इक्वल टू 50 म्यू, ठीक है। तो यहां से पी टू की वैल्यू आपकी क्या आ जाएगी, पी टू आएगा आपका 50 म्यू ओवर कोस 15 माइनस के म्यू साइन 15, क्लियर है। और म्यू की वैल्यू आपको पता है, म्यू की वैल्यू कितनी है, म्यू की वैल्यू है आपकी 0.4। अब यहां म्यू की वैल्यू पुट कर दो, तो म्यू की वैल्यू पुट करती क्या आ जाएगा, देखिए 50 इंटू 0.4 ओवर कोस 15 माइनस 0.4 साइन 15। तो यहां से आपकी पी टू की वैल्यू आ जाएगी कैलकुलेट करने के बाद 23.19 न्यूटन, 23.19 न्यूटन। ये जो पी टू की वैल्यू आई है आपकी, ये किस केस में आई है, ये उस केस में आई है जब आपने बॉडी को पुश किया, क्लियर है। उतने ही वेट की बॉडी है, वही कोफिशियंट ऑफ फ्रिक्शन है, वही सरफेस है आपकी, सब कुछ वही है, सिर्फ आपने फोर्स की डायरेक्शन चेंज कर दी, क्लियर है। तो जब आपने, देखिए यहां देखिएगा, जब आपने कौन सा फोर्स लगाया, जब आपने पुल फोर्स लगाया था तब आपकी पी की वैल्यू कितनी आई थी, तब आपकी पी की वैल्यू आई थी देखिए 18.70, यही तो आई थी, ठीक है नहीं। और अब क्या आई है आपकी वैल्यू, जब आपने पुश फोर्स लगाया, पुश फोर्स लगाने से आपकी वैल्यू आई है 23.19, यानी उसी बॉडी को पुश करने पर आपको ज्यादा फोर्स लगाना पड़ रहा है, ठीक है नहीं। तो उसने कमेंट मांगा था, कमेंट में हम क्या लिखेंगे, सो इट इज इजर टू पुल द ब्लॉक देन पुश इट, देन पुश इट, यानी किसी भी ब्लॉक को क्या करना इजी है, पुल करना इजी है एज कंपेयर टू पुश, समझ में आई बात। अगर हमसे ये पूछा जाए कि एक ब्लॉक है और उसे पुश करना है, या उसे चलाने की कंडीशन में लाना है, या उसे जस्ट टू स्लाइड कंडीशन में लाना है, तो उस कंडीशन में आप पुल फोर्स लगाएंगे या पुश फोर्स लगाएंगे, तो हम कह सकते हैं देखिए कि हम उस कंडीशन में पुल फोर्स लगाएंगे, क्योंकि अगर हम पुश फोर्स लगाएंगे तो पुश फोर्स आपको ज्यादा लगाना पड़ेगा, क्लियर है। तो विद एग्जांपल मैंने आपको बता दिया, देखिए अगर पुश लगा रहे हैं तो कितनी वैल्यू आ रही है 23.19, और अगर पुल लगा रहे हैं तो कितनी आ रही है
18.70 किलो न्यूटन। क्लियर है? तो आज के लिए इतना ही, दो न्यूमेरिकल हमने आपको करा दिए। अभी लगभग मैं आपको बता दूं, इसी केस के हम आपको चार पांच न्यूमेरिकल और कराएंगे, तो एक या दो लेक्चर अभी आपको न्यूमेरिकल का और मिलेगा। तब तक आप अपने ये फंडे क्लियर कर लीजिएगा जो मैंने आपको बताए हैं। जब आपके ये केस क्लियर हो जाएंगे तो न्यूमेरिकल में आपके कुछ नहीं बचेगा। क्लियर है? जिसने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, चैनल को शेयर भी कर दे, जिससे कि ज्यादा से ज्यादा बच्चों तक ये वीडियो हमारी पहुंच सके। धन्यवाद।